नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज देखेंगे यहां पर हम हिस्ट्री का, ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लेक्चर नंबर 14 हो जाएगा। इससे पहले मैंने 13 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बचने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स एक बार क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, गुलाम वंश देखा था। गुलाम वंश से हमारी बुक का स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले गुलाम वंश देखा, उसके बाद खिलजी वंश देखा, उसके बाद तुगलक वंश देखा, उसके बाद सैयद वंश देखा, उसके बाद क्या देखा था, लोधी वंश देखा था। एक बार उसके अंतिम और फर्स्ट को रिवाइज करते हैं फटाफट भी। अंतिम और फर्स्ट को सभी लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कौन सा, गुलाम वंश आया था, है ना। सबसे पहले कौन आया था भाई, सबसे पहले गुलाम वंश आया था, उसके बाद खिलजी वंश आया था, उसके बाद तुगलक वंश आया था, उसके बाद सैयद वंश आया था, और उसके बाद भाई कौन आ गया, उसके बाद आ गया भाई अपना लोधी वंश। उसके बाद कौन आया, लोधी वंश। और आज लोधी वंश का इब्राहिम लोधी मारा जाएगा, और भाई किसकी नींव पड़ेगी, गुलाम वंश की नींव डाल के जाएगा बाबर, ध्यान रखना, ठीक है भाई। आज हम देखने वाले हैं इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बारे में, जहां स्टार्ट होगा पानीपत का युद्ध 1526। तो हम इसको रिवाइज करते हैं फटाफट, प्रथम शासक और अंतिम शासक के लिए। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम शासक कौन था, कैकुबाद। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। अगर प्रसिद्ध शासक पूछ ले खिलजी वंश का तो वो है जाता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और अंतिम शासक पूछ लेगा तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन खुसरोसा। सुसरोसा भी आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद शाह। वही बात करते हैं सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वह हो जाता है खिलजी खान। अंतिम शासक की बात करते हैं तो हो जाता है आलम शाह। कौन था भाई, अंतिम शासक की बात करते हैं तो वह हो जाता है आलम शाह। उसके बाद करते हैं लोधी वंश, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन हो जाता है, बहलोल लोधी। अगर लोधी वंश का प्रसिद्ध शासक पूछ ले तो वह हो जाता है सिकंदर लोधी। कौन, सिकंदर लोधी। और आज हम देखने वाले हैं किसके लिए भाई, बहलोल लोधी के लिए, है ना, जो हो जाता है लोधी वंश का अंतिम शासक। तो हमने फटाफट रिवाइज कर लिया। आज हम क्या देखने वाले हैं भाई, इब्राहिम लोधी को देखने वाले हैं। कौन, इब्राहिम लोधी और किसके भाई, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच एक युद्ध होता है। कौन सा, बाबर के बीच एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं पानीपत का युद्ध। कौन सा, पानीपत का, ठीक है, पानीपत का युद्ध, ठीक है भाई। क्या कहते हैं, पानीपत का युद्ध कहते हैं। और ये युद्ध कब होता है, युद्ध होता है 1526 में। कब होता है भाई, 1526 में क्या होता है भाई, युद्ध होता है। तीन युद्ध हुए थे पानीपत के, कौन कौन से हुए थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जब पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, सभी को याद करो, और तीसरा हुआ था 1756-61 में, ठीक है। कब हुआ था, 1526 में हुआ था, 1556 में हुआ था, और 1561 में हुआ था। पहला जो युद्ध हुआ है वह यही है पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम और बाबर लोधी के बीच, ठीक है, सॉरी, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है हेमू और अकबर के बीच। वही बात करते हैं तीसरे युद्ध का, तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दुली और मराठा के बीच होता है। तो इनको भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो बात करते हैं, आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14, जिसको देखने को मिलेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध का वर्णन कीजिए, है ना, पानीपत के प्रथम युद्ध का वर्णन कीजिए। या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है आपके एग्जाम में कि पानीपत के प्रथम युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इब्राहिम लोधी की पराजय का कारण बताइए, कि इब्राहिम लोधी के पराजय के कारण क्या क्या थे। इब्राहिम लोधी के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ रखा था इससे पहली वीडियो में, अगर नहीं देखी हो तो देख लेना, क्योंकि समझ में तभी आएगा जब आप गुलाम वंश से देखते हुए चले आओगे। अगर आप गुलाम वंश से देखते हुए चले आ रहे हो प्रत्येक वीडियो के लिए, तो आपको सारे के सारे जितने भी वंश हैं, जितने भी पहले और लास्ट हो जाते हैं, सब आपको याद हो जाएंगे और सबकी थ्योरी आपको माइंड में फिक्स हो जाएगी। तो बात करते हैं, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में गुलामों की विजय के कारणों का वर्णन कीजिए। भाई अभी क्या देखे हमने, देखे कि इब्राहिम लोधी के पराजय के कारण बताइए, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगलों की विजय के कारणों को आपको वर्णन करना है, ठीक है। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करते हुए बाबर की विजय पर विजय के कारण आपको बताना है, ठीक है, विजय के क्या बताना है भाई, कारण बताना है। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिल जाता है, सबको अच्छे प्रकार से पढ़ना है, ध्यान कहीं भटकाना नहीं है, डायरेक्टली कहां फोकस करना है, फोकस करना है भाई बोर्ड पर, ठीक है। बात करते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध का वर्णन कीजिए और उसके परिणामों का उल्लेख कीजिए।
क्या देखना है? पानीपत के बारे में देखना है, ओनली इब्राहिम लोदी के हार के कारण, पराजय के कारण, और कौन जीता था? बाबर जीता था। तो बाबर के क्या देखेंगे भाई? विजय के कारण कौन से थे? ठीक है, पानीपत का युद्ध देखना है बिल्कुल संक्षिप्त में यहां पर। तो बात करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं इसके उत्तर की ओर। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, जब आप उत्तर डालोगे, जब आप उत्तर डालोगे उसके बाद बनाओगे एक बॉक्स। एक बॉक्स कौन सा भाई? एक बॉक्स। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यहां पर पानीपत का युद्ध। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लोदी वंश का प्रथम शासक, लोदी वंश का प्रसिद्ध शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक और मुगल वंश का प्रथम शासक, है ना? यही तो डालेंगे, और डालेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। बस ये हमने हम यहाँ पर डहले डाल दी। हाँ भाई, एग्जामिनर को पता चल गया कि हाँ इसे पता है लोदी वंश के बारे में, प्रथम शासक कौन था, प्रसिद्ध शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, और पानीपत का युद्ध कब हुआ, और उसके बाद पानीपत को हराया किसने, ये भी इसने लिख रखा है। इसका मतलब उसकी थ्योरी जो है बहुत अच्छी प्रकार से इसने लिखी होगी। आपको नंबर क्या मिलेंगे भाई? अच्छे मिल जाएंगे, है ना? हेडिंग पर कुछ ज्यादा फोकस करना। हेडिंग पर क्या करना है? कुछ ज्यादा फोकस करना है। कुछ हेडिंग तो हमने कहां डाल दी भाई? बॉक्स में डाल दी। जितना हमें कंफर्म है उतना हम कहां डालेंगे? बॉक्स में डालेंगे, जो कि एग्जामिनर बॉक्स को ही पढ़ के क्या हो जाए? खुश हो जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप याद करो, डायरेक्टली याद करो 1526। ठीक है भाई, 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में जो युद्ध हुआ वह दिल्ली की पठान, पठान या फिर तुर्क, ध्यान रखना, दिल्ली की पठान या फिर तुर्क सल्तनत के अवसान और मुगल साम्राज्य के प्रारंभ का कारण था। जो तुर्की साम्राज्य था वो क्या हो रहा था यहां पर? खत्म हो रहा था। और कौन आ रहा था? मुगल साम्राज्य की नींव पड़ रही थी, मुगल साम्राज्य आरंभ हो रहा था। यही बात करते हैं इस युद्ध के फलस्वरूप मुगल वंश के इतिहास में एक नए और अत्यंत गौरवपूर्ण पृष्ठ का आरंभ हुआ। इस पानीपत के प्रथम युद्ध के मुख्य कारण थे। अब कौन कौन से कारण थे इनको यहां पर देखने वाले हैं। पहले क्या देखेंगे? पानीपत के प्रथम जो प्रमुख कारण हो जाते हैं उनको देखने वाले हैं। तो डायरेक्टली प्रमुख कारण नहीं लिखेंगे, पहले हम क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे। मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले क्या डालना है? हेडिंग ही डालना है। हर चीज को हेडिंग के थ्रू ही लिखना है। ठीक है, तो बात करेंगे यहां पर, लिखेंगे पानीपत के प्रमुख कारण। पानीपत के प्रमुख कारण बड़ी बड़ी हेडिंग में यहां पर हमने डाल दिया। अब हम उसके कारण लिखेंगे, डायरेक्टली नहीं लिखना है, हमें पानीपत के प्रमुख कारण की हेडिंग डालना है। हेडिंग डालकर ही लिखना है, ठीक है, चाहे बुक में कैसी भी दे रखा हो। बात करते हैं पहला, पहला हो जाता है तात्कालीन भारत का राजनीतिक शक्ति का ह्रास। जो तात्कालीन, जो वर्तमान में इब्राहिम लोदी की भारत में जो उग्रता थी वह क्या हो गई थी भाई? उसका मतलब कहते हैं राजनीतिक शक्ति का ह्रास हो गया था। जो इब्राहिम लोदी था, अगर आपने पढ़ा होगा इससे पहले की वीडियो तो आपको पता होगी कि जो इब्राहिम लोदी था, जो इब्राहिम लोदी था वो क्या कर रहा था? इब्राहिम लोदी ने अपने भाइयों को जेल में डाल दिया था, है ना, अपने भाइयों को जेल में डाल दिया था। और जो कुछ उसके जो गुलाम हो जाते हैं, जिन जिन पर उसका शक था, थोड़ा भी शक था, तो उनको कहां? कारागार में बंद करवा दिया था बिना कारण बस। तो इस प्रकार से वहां की जो जनता थी, वहां की जो राजनीति थी, वो एक प्रकार से कमजोर होती जा रही थी। और यही कारण क्या था? मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बना। तो पहला कारण हो जाता है तात्कालीन भारत की राजनीतिक शक्ति का ह्रास, क्योंकि उसने उसके जो मंत्री थे इब्राहिम लोदी के, वो खुद ही क्या हो गए थे? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हो गए थे। ठीक है, तो ये यहां पर एक देखने को मिल जाती है कारण। नेक्स्ट कारण की बात करते हैं, इब्राहिम लोदी का उग्र और दुष्ट प्रभाव। बही देखो, जब मैंने अभी बताया बही दे रखा है दूसरी भी हेडिंग कि इब्राहिम लोदी का उग्र, उसने अपने भाइयों को कहां डाल दिया था? जेल में डाल दिया था। और जो कुछ हो जाते हैं गुलाम वगैरह थे, जिस पर शक था उनको दंड दिया जाता था कठोर। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं इब्राहिम लोदी की उग्र और दुष्ट स्वभाव यहां पर एक कारण था जो कि लोदी वंश का पतन हुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट कारण कौन सा था? वह हो जाता है प्रांतीय शासकों की शक्ति का बढ़ना। जो प्रांतीय शक्ति थी, आसपास की जो शक्ति हुआ करती थी, वो कैसी हो रही थी? बढ़ रही थी, बढ़ना। और उनमें स्वतंत्र होने की आकांक्षा कि भाई हम कैसे हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। और इस जो खिलजी वंश का जो इब्राहिम लोदी है, इसने जो हमारी जो कह सकते हैं प्रांतों पर कब्जा किया है, ये कैसे हो जाएं? स्वतंत्र हो जाएं। एक ये भी कार्ड यहां पर बन जाता है। नेक्स्ट कार्ड की बात करते हैं, पंजाब के गवर्नर
जो पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे दौलत खां का विश्वासघात और अदूरदर्शिता यहां पर देखने को मिलती है। आपको आपको हमने बता रखा है कि जो पंजाब का गवर्नर था इसके बारे में भी आपको हमने क्या है इससे पहले की वीडियो में बता रखा है, देख लेना बहुत ही ध्यान से, हर वीडियो को देखते चले आओगे तो बिल्कुल स्टोरी आपको समझ में आती रहेगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट कार्ड हो जाता है बाबर की आत्मकांक्षा। जो बाबर की आत्मकांक्षा थी और तथा साम्राज्य निर्माण का संकल्प, कि साम्राज्य को बाबर का मतलब क्या था, बाबर का मतलब था कि हम क्या करेंगे भाई, दिल्ली पर राज करेंगे और अपनी सल्तनत का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, क्योंकि कोई भी जो प्रांत था वो अपनी राज्य की जो संपत्ति थी और जो कह सकते हैं प्रांत था उसका विकास करना चाहता था। उसी प्रकार से बाबर ने भी यहां पर कदम रखा, दिल्ली में क्या रखा, बाबर ने भी यही महत्वाकांक्षा के कारण दिल्ली में क्या रखा था, कदम रखा था। तो इस प्रकार से एक कार्ड तो ये हो जाता है। अब हमने कार्ड तो देख लिए, अब हम देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में, है ना, क्या देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। तो बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, हमने हेडिंग डाल दी, हेडिंग डालना ही डालना है पानीपत के युद्ध के, युद्ध में बाबर ने अपने युद्ध कौशल का अच्छा प्रमाण दिया भाई, अच्छा प्रदर्शन किया तथा अच्छा प्रमाण दिया। पानीपत के युद्ध में बाबर ने अपने युद्ध कौशल का अच्छा प्रमाण दिया, उसने अपना मोर्चा ठीक किया और सैनिकों को ठीक ढंग से नियुक्त कर अपनी जो रक्षा पंक्ति थी उसको कैसा किया, दृढ़ किया। उसने क्या किया भाई, सैनिकों को ठीक ढंग से नियुक्त किया तथा जो रक्षा पंक्ति थी उसको दृढ़ शक्तिशाली बनाया। उसने अपनी तोपों से, आपको पता है सबसे पहले क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में, क्या एमसीक्यू में, कि आपको ये बताइएगा सबसे पहले तोपों का, सबसे पहले तोपों की बात करते हैं, तोपों किसने चलाई थी, फटाफट कमेंट में बताइएगा सबसे पहले तोपे किसने चलाई थी, तोपों का प्रचलन किसने किया था, कह सकते हैं तो इसने चलाया था बाबर ने भाई, बाबर ने ही क्या चलाई थी, तोपे चलाई थी सबसे पहले, ध्यान रखना। और मारा कौन गया था, शेर शाह सूरी मारा गया था, ठीक है। तो बात करते हैं तोप के ही कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो बात करते हैं यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा कि तोपों को किसने चलाया था, तो बाबर ने दागी थी तोपे, ठीक है। तो यहां पर वही देखने वाले हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों की स्टार्टिंग की गई थी, देखा है, उसने अपनी तोपों से सेना के केंद्रीय भाग को सुदृढ़ किया। उसकी सेना पानीपत के बाएं खड़ी थी, उसकी जो सेना थी वो कहां पर, पानीपत के बाएं खड़ी थी, एक तरफ से खाइयों और वृक्षों की शाखाओं द्वारा रक्षा प्रबंध किया गया, किससे, वृक्षों से और खाइयों से, किसका, एक तरफ से रक्षा का प्रबंध किया गया। सेना के केंद्रीय भाग का संचालन बाबर ने स्वयं किया, जो केंद्र में था वो स्वयं कौन हुआ करता था, बाबर आया था केंद्र में स्वयं, सेना के केंद्र संचालन के लिए योग्य सेनापति नियुक्त किए गए थे और सेना का बाएं दाएं दाई भुजा आदि भागों में विभक्त करने दिया गया। युद्ध स्थल में बिहू के कार्यक्रम को बाबर ने 12 अप्रैल तक पूरा कर दिया। जो बिहू था, जो कह सकते हैं युद्ध स्थल में बिहू रचाता था ना, कि हमें अपनी सेना को किस प्रकार से खड़ा करना है, वह बिहू की बात हो रही है, कि बिहू कार्यक्रम को बाबर ने 12 अप्रैल तक पूरा कर दिया। इब्राहिम की सेना में 1,00,000 सैनिक थे, इब्राहिम की जो सेना थी, इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसमें कितने सैनिक हुआ करते थे भाई, 1,00,000 सैनिक दे रखा है, ध्यान देना थे, पर सब प्रबंध अस्त व्यस्त था, कैसा था, प्रबंध जो हुआ करता था वो अस्त व्यस्त था और अनुशासन एवं व्यूह रचना का कैसा था भाई, सर्वथा अभाव था। मगर बाबर जो था उसने 12 अप्रैल तक अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और जो इब्राहिम लोदी था उसकी सेना में अब भी क्या था, अभाव था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई 27 अप्रैल 1526 को, कब भाई, 27 अप्रैल 1526 को बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और स्वयं को भारत का बादशाह घोषित किया। ध्यान रखना एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से बनेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से बनेगा। एक बात बताइएगा, किस सुल्तान ने अपने आप को स्वयं सुल्तान घोषित किया था, तो वह कौन था, वह हो जाता है बाबर भाई। बाबर ने अपने आप को क्या किया था, सुल्तान घोषित किया था, बहुत ही इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाता है। इस प्रकार इस
देश में एक देश नबीन राजवंश की स्थापना हुई जिसने लगभग 300 वर्षों तक राज किया। कितने वर्षों तक भाई? लगभग 300 वर्षों तक राज किया था। ट्रिक यहां पर लिख देते हैं, एक बार आपको याद भी हो जाए, दो तीन बार यहां पर लिखेंगे तो ठीक है। तो बात करते हैं, ट्रिक हो जाती है भाज सब। क्या होती है भाई? ट्रिक हो जाती है भाज सब, ठीक है, भाज सब। तो ध्यान रखना, गुलाम वंश की है। किसकी है भाई? यह गुलाम वंश की है। तो पहला गुलाम बादशाह कौन था? सुल्तान जो था वो था बाबर। बाबर के बाद आया था उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं के बाद आया था अकबर। अकबर के बाद आया था जहांगीर। जहांगीर के बाद आया था शाहजहां। शाहजहां के बाद आया था उसका बेटा औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद आया था लास्ट जो था बहादुर शाह जफर। कौन था भाई? बहादुर शाह जफर। ध्यान रखना, सारा की सारा याद करना है इस ट्रिक के लिए। भाज सब, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। तो यहां देखेंगे इसके परिमाण देखने को क्या मिले, पानीपत के परिमाण। पानीपत के क्या देखेंगे अब हम? पानीपत के देखने वाले हैं परिमाण क्या क्या देखने को मिले। तो पहला दे रखा है निर्णायक युद्ध हुआ। क्या हुआ? निर्णायक युद्ध हुआ। पानीपत का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। लोदियों की सैन्य शक्ति पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गई और उनका राजा कुरुक्षेत्र में मारा गया। तो यहां पर इब्राहिम लोदी जो हो जाता है, इब्राहिम लोदी जो हो जाता है वो किसके द्वारा मार दिया जाता है भाई? बाबर के द्वारा मार दिया जाता है ना। बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी क्या कर दिया जाता है भाई? मार दिया जाता है। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। गणना के अनुसार उसके 20 सहस्त्र सैनिक हताहत हुए। कैसे हुए? 20 सहस्त्र सैनिक हताहत हुए। हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता पर कुछ काल के लिए अफगान जाति के हाथों में से निकलकर मुगलों के हाथ में चली गई। जो सत्ता थी वो अफगान तो यहां पर हट गए, क्योंकि जो कह सकते हैं जो पहला बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी का पिता कौन था? काला, है ना, कह सकते हैं काला, काला शाह के नाम से ऐसे कुछ है। वो कौन था? वो कहां से आया था? अफगानिस्तान से ही आया था। कहां से? अफगानिस्तान से ही आया था, इसलिए इसे अफगान कहते थे, है ना, अफगान जाति कहते थे। अफगान जाति के हाथों से सत्ता निकलकर मुगल के हाथों में चली गई। कहां पर? मुगल के हाथों में चली गई। मुगल वंश की स्थापना, अभी क्या होती है भाई? मुगल वंश की स्थापना। पानीपत के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। देश को श्रेष्ठ, सुयोग्य और सफल शासक प्राप्त हुआ। कैसा हुआ? श्रेष्ठ, सुयोग्य और सफल शासक प्राप्त हुआ, जिनके अधिकार में देश को एक यौगिक संस्कृति के विकास के नवीन प्रयोग प्रारंभ करने का अवसर मिला। नई युद्ध पद्धति के प्रयोग का आरंभ क्या होता है भाई? नई योग्य पद्धति के प्रयोग का जो आरंभ था उसको यहां पर हम देखने वाले हैं। थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, तो हम क्या हो, कहां तक थे भाई, है ना, हम पहुंच गए थे भाई कहां तक? नई युद्ध पद्धति के प्रयोग का आरंभ क्या हो गया भाई? नई युद्ध पद्धति के प्रयोग का यहां पर आरंभ देखने को मिलता है। जैसे कि हो जाता है, इस युद्ध में बाबर ने जिस नई पद्धति का प्रयोग किया, यह उस युद्ध पद्धति तथा तोपों का प्रयोग करके मुगलों ने धीरे धीरे संपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। क्योंकि आपको पता है, सबसे पहले तोपे किसने चलाई थी भाई? बाबर ने चलाई थी। किसने? बाबर ने चलाई थी। याद रखना, एम से क्वेश्चन बनेगा। बाबर की कठिनाइयों का अंत, जो बाबर था उसकी कठिनाइयों का यहां पर क्या हो गया भाई? अंत हो गया, क्योंकि उसने सल्तनत संभाल ली। बात करते हैं, इस युद्ध में उत्तरी भारत की विजय करने निमित्त उस पर विजय तथा योजनाओं को दूसरी मंजिल पानीपत के युद्ध के साथ तय हो गई। बाबर आगरा और दिल्ली का स्वामी हो गया, किंतु अभी एक दो ही नहीं, सैकड़ों विकट विरोधियों और शक्तिशाली शत्रुओं से मोर्चा लेना बाकी था। अभी तो क्या था? अभी तो सिर्फ पैर जमा था, पैर पसारने तो बाकी थे, ठीक है। तो बात करते हैं, तब कहीं हिंदुस्तान का सम्राट होने का
बात सोची जा सकती है। जब तक कि हम अपने पैर पूरी तरीका से पसार नहीं लेते तब तक हम हिंदुस्तान का सम्राट भाई नहीं बन सकते। यही क्या हुआ, यही सोच बाबर के अनुसार आई। ठीक है, तो यही हो जाता है। अगले देखो, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं लोदी वंश का अंत क्या हो गया भाई। अब लोदी वंश का अंत हो गया, इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक है, हेडिंग तो डालना ही डालना है। तो पहली यहां पर हमने हेडिंग डाल दी, लोदी वंश का अंत। पानीपत की विजय ने बाबर के दावे को वैधानिक का जामा पहना दिया। वैधानिक का क्या पहना दिया भाई, जामा पहना दिया। अतः उसकी विषय की योजना तथा प्रयत्न उसी के दावे को कार्य रूप में परिणित करने का प्रयास मात्र थे। ठीक है, तो बात करते हैं पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के कई कारण थे। जैसे कि यहां पर पहला कारण जो हो जाता है, कारण ही पूछ रखा है ना, तो कारण पहला हो जाता है पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के कई कारण। पहला जो कारण था, बाबर एक योग्य सैनिक था। कैसा था, बाबर एक योग्य सैनिक था। बाबर युद्ध कौशल में सिद्ध हस्त एक योग्य सैनिक था। अपनी अपनी जो तुलगमा थी, तुलगमा युद्ध पद्धति, ध्यान रखना इसकी जो पद्धति थी, तुलगमा युद्ध पद्धति, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसी की क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बाबर की जो युद्ध पद्धति थी वो कौन सी थी, तुलगमा युद्ध पद्धति थी, याद रखना। के द्वारा उसने यह प्रमाणित कर दिया था कि वह इब्राहिम से भी योग्य सेनापति है। बाबर ने अलग अलग प्रकार की नीतियां का प्रयोग पानीपत के मैदान में किया, जो उसने उज्बेको, तुर्को और पारसियों से सीखी थी। यही कारण है कि उसकी छोटी सी सेना इब्राहिम की विशाल सेना को सामना कर सकी और अंत में सफल हुई। भाई वो हाथियों से लड़ रहे थे और ये तोपों से लड़ रहे थे, एक बात बताइएगा कौन जीतेगा, है ना, जीतेगा तो तोपों वाला। तो चाहे सेना छोटी हो या फिर बड़ी। तो बात करते हैं नेक्स्ट जो कार्ड हो जाता है, वो जाता है इब्राहिम लोदी अयोग्य एवं असमर्थ सैनिक था। कैसा था, इब्राहिम लोदी जो था वो अयोग्य और असमर्थ सैनिक था। इब्राहिम का अपने विश्वास पात्रों के प्रति इतना खराब व्यवहार था कि उन्हें गुप्त रूप से बाबर के हाथ मिला दिए, है ना, गुप्त रूप से बाबर से हाथ मिला लिए थे। किसने, जो बाबर के विश्वास पात्र हो जाते हैं, है ना, कह सकते हैं इब्राहिम लोदी के साथ क्या किया था, विश्वासघात किया गया था। ठीक है, वही हो जाता है, इन्होंने गुप्त रूप से बाबर से हाथ मिला लिए। यही नहीं, उन्होंने पानीपत का युद्ध जीतने में बाबर को सहयोग भी दिया। बहुत से सामंतों एवं राजाओं के मन में बाबर के प्रति इतनी अच्छी भावनाएं थीं कि उन्होंने बाबर के विरुद्ध इब्राहिम को सहयोग देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि उसका एक निकट संबंधी जो आलम शाह था, आपको पता है ना, हमने देख रखा था, आलम शाह भी बाबर की ओर चला गया था। तो यहां पर हो जाता है, क्योंकि इसने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा तो भाई औरों को कैसे छोड़ देगा, है ना। अपने भाइयों को कहां डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। और जो हो जाते हैं इसके राजदूत वगैरह थे, जो थोड़ी बहुत अगर शंका में भी आते थे तो उन्हें क्या कर देता, मौत के घाट उतार देता था। बाबर द्वारा प्रयुक्त युद्ध शास्त्र, तो बाबर द्वारा प्रयोग में लाए गए युद्ध शास्त्र उसकी विजय का एकमात्र कारण थे। प्रथम बार बाबर ने इस युद्ध में गन पाउडर, किसका, गन पाउडर, ध्यान रखना, गन पाउडर का प्रयोग किया। उसके अलावा मैचिंग गन, जो मैचिंग गन थी वह हो जाती है यहां पर, ठीक है, तो मैचिंग गन का भी प्रयोग किया। कह सकते हैं तोप, याद रखो, ठीक है, डायरेक्टली आप याद रखो, पोत नहीं भाई, तोप, ठीक है, क्या याद रखो भाई, तोप याद रखो, है ना, आपको मैंने बता रखा है, क्या याद करो भाई, तोप याद रखो, तोप, ठीक है, तोप का प्रयोग किया। बाबर एक सैनिक उत्ताद अली मुस्तफा तो मानो भारतीय सैनिकों के लिए काल के समान था। कैसा था, जो बाबर का एक सैनिक हुआ करता था उत्ताद अली मुस्ताफ, ठीक है, सॉरी, उत्ताद अली मुस्तफा कौन हुआ करता था, उत्ताद अली मुस्तफा हुआ करता था, जो कि भारत के जो सैनिक हुआ करते थे, भारतीय सैनिक हुआ करते थे, उनके लिए क्या था, काल के समान था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाता है इब्राहिम लोदी के विजय का कारण, वो हो जाता है इब्राहिम द्वारा बाबर की सेना का गलत मूल्यांकन।
इसके द्वारा इब्राहिम द्वारा बाबर की सेना का गलत मूल्यांकन करना, इब्राहिम स्वयं ही अपनी पराजय एवं बाबर की विजय का उत्तरदायी था। लोदी ने सोचा कि मुगलों की सेना कम होने के कारण उसकी उसको मात देना सरल होगा। क्या है? मुगलों की सेना कम होने के कारण उसको मात देना क्या होगा? सरल होगा। परंतु वास्तविकता इसके विपरीत थी। इब्राहिम ने ऐसा सोचने के कारण ही उसकी सेना में उत्साह की कमी थी। दूसरी ओर बाबर जैसे कमांडर, उसकी सेना दुगने उत्साह से आगे बढ़ती चली आ रही थी, है ना। बात करते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, वो कारण था बाबर की विजय का, लोदियों द्वारा हाथियों का प्रयोग। लोदियों को द्वारा किया गया था, हाथियों का प्रयोग किया गया था। इब्राहिम लोदी ने अत्यधिक मात्रा में हाथियों का प्रयोग किया। मुगलों द्वारा प्रयोग में लाए गए घोड़े हाथियों से अधिक फुर्तीले थे, तभी तो घायल हाथी पागल होकर अपने ही सैनिकों को रौंद डालते थे। क्योंकि आपको पता है हाथी तो कैसे लेगा, धीरे धीरे, मगर जो घोड़े होंगे वो कैसे होंगे, तेज और बहादुरी, और कैसे लड़ेंगे भाई, तेजी से सैनिक को मारने में सफल होंगे। बात करते हैं भारतीयों के एकता का अभाव। क्या? भारतीयों के जो भारत में रहते थे, जो कह सकते हैं इब्राहिम लोदी के जो साथ थे, उनमें एकता का क्या देखने को मिलता है? अभाव देखने को मिलता है। एक कारण ये हो जाता है कि भाई भारतीयों की एकता का अभाव मुगल बादशाह बाबर का विजय का कारण बना। तो बाबर की विजय में एक बहुत बड़ा हाथ भारतीयों की आपसी फूट का था। इब्राहिम के निकट सहयोगियों, मित्रों एवं संबंधियों से कई मित्रों ने शत्रु से हाथ मिला लिया था। यदि भारत की समस्त बड़ी शक्तियां एकजुट होकर शत्रु का सामना करती तो इस युद्ध में परिणाम ठीक विपरीत होता। अगर सभी शक्तियां जो थी, जो इब्राहिम लोदी के पास जो शक्तियां थी, अगर वह सभी मिलकर अच्छे प्रकार से अगर मुगलों का सामना करते तो बाबर इसमें विजय नहीं हो पाता। बात करते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो हो जाता है, वो हो जाता है इब्राहिम का दुर्बल होना। किसका? इब्राहिम का दुर्बल होना। इब्राहिम लोदी की सेना में देश के प्रति वफादारी की भावना का अभाव था। वफादारी थी वो कम थी, क्योंकि बाबर की ओर जाके मिल गए थे। दूसरी ओर बाबर की मुट्ठी भर सैनिक अपने सेनापति के प्रति मर मिटने को तैयार थे। बलिदान एवं उत्साह की भावना का लोदियों की नितांत अभाव था। जो बलिदान की भावना थी, लोदियों का नितांत अभाव था भाई उसमें। वह मरना नहीं चाहते थे, डरते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी हो जाती हैं। हमने सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर देख लिया, 14, ठीक है। 14 क्वेश्चन का पूरा की पूरा आंसर भी देख लिया हमने। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हमने क्या देखा, पानीपत में जो इब्राहिम लोदी था उसके जो पराजय के कार्ड देखे, असफलता के कार्ड देखे, तथा गुलाम वंश का जो शासक हुआ करता था प्रथम शासक बाबर, उसकी सफलता के कार्ड देखे। तो फिर इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, वो हो जाता है खत्म। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बाबर से संबंधित, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो बाबर संबंधित होगा। अगर आपके पास बुक्स है तो बिल्कुल पढ़ लेना, अगर आपको नहीं है आपके पास तो आप नोट्स डाउनलोड कहां से करेंगे, नोट्स डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे कहां से करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, हमारी साइट आपके सामने चल रही है www.paperhacker.in। कौन सी? हमारी साइट नीचे आपको पट्टी में चलती हुई दिख रही है www.paperhacker.in। तो वहां से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, एप्स डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फिर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।